दोस्तों, अगर आप है तो खांसी खोखले की वजह से बहुत परेशान है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं है तो आपको चुप एलएस सिरप के यूजेस, साइड इफ़ेक्ट और इसके बारे में सब कुछ जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकॉन को भी दबा दीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस बॉटल के नाम से ही आप पता लगा सकते हैं कि इसका यूजेस क्या हो सकता है। दोस्तों, इसका इस्तेमाल है तो आप सर्दी, खांसी, खोखला में कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा सर्दी हो गई हो या फिर खांसी आ रही हो या बहुत दिनों से खांसी आ रही हो तो उस कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, चुप एलएस यह है तो एबॉट कंपनी का ब्रांड है और आप जो वीडियो में देख रहे हैं ये 60 ml की बॉटल है और 60 ml पैक की कीमत है 57 रुपये और 90 पैसे और कंपनी ने इसके अंदर लियो सॉल्बिटामोल डाला हुआ है, उसी के साथ साथ अम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड और गॉफेंशन सिरप फॉर्म में डाला हुआ है। और दोस्तों, इसको आप जब भी इस्तेमाल करें तो अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर करें, क्योंकि दोस्तों ये है तो एक शेड्यूल एच ड्रग है और इसको तो आपको स्टोर करना है 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर और इसको डायरेक्ट सनलाइट में आप इस्तेमाल नहीं रख सकते हैं। तो दोस्तों, इसके ये थे कुछ यूजेस। अब साइड इफ़ेक्ट की बात कर लेते हैं। दोस्तों, चुप एलएस सिरप के साइड इफ़ेक्ट की अगर हम बात करें तो आपको इससे तो नौशिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, डिजीनेस आ सकता है, चक्कर जैसे आ सकते हैं, उसी के साथ साथ स्किन पर रैशेज भी हो सकता है या फिर गले का सूखना, ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट है। और दोस्तों, आपको बता दूँ, आप जब भी चुप एलएस सिरप का इस्तेमाल करें तो हेवी मशीनरी या फिर तो मोटरसाइकिल ना चलाएं या फिर ड्राइविंग ना करें, क्योंकि दोस्तों इसके इस्तेमाल के बाद आपको नींद आ सकती है। तो दोस्तों, ये था इसके कुछ यूजेस और साइड इफ़ेक्ट। अब हम इसके डोज की बात कर लेते हैं। दोस्तों, इसको अडल्ट पर्सन में 3 टाइम 5-5 ml देना है और छोटे बच्चों में अगर देना है तो 2.5-2.5 ml 3 टाइम दे सकते हैं। डोज के सिलसिले में आप अपने नज़दीकी डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं। डॉक्टर के कहने के मुताबिक आप इसका डोज बढ़ा या कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा रिव्यू चुप एलएस सिरप के बारे में। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और आप कौन सी मेडिसिन की वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कोई नई मेडिसिन की जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आपकी दुआओं में मुझे याद रखिए।